आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपको लंबी उम्र चाहिए तो आपको क्या खाना छोड़ देना चाहिए लंबी उम्र के लिए। देखिए, कुछ गलतियां हम अपने जीवन में ऐसी करते हैं जिनसे हमारा जीवन कम हो जाता है, यानी कि आयु कम हो जाती है, और इन गलतियों के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, आप खुद हैं, हम खुद होते हैं। तो कौन सी चीजें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित कर दीजिए, क्योंकि भोजन में जरूरत से कम या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेने वाले को मौत का खतरा ज्यादा बना रहता है, और ये वाकई स्टडी है, स्टडी की रिपोर्ट है। कार्बोहाइड्रेट में 40% से कम या 70% से ज्यादा ऊर्जा के सेवन से मौत का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में 50-55% ऊर्जा ग्रहण करने वालों को मौत का खतरा कम रहता है, रिसर्च ये कहता है। बहुत ज्यादा और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन सबसे जो गौर करने वाली बात यह है कि वो कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है वो इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी की गई है उसमें 45-64 साल की आयु वर्ग के लगभग 15,500 लोगों को शामिल किया गया था, और प्रतिभागियों में पुरुष 600 से 420 किलो कैलोरी ऊर्जा रोज ग्रहण करते थे, जबकि महिलाएं 500 से 3600 किलो कैलोरी रोज। तो सीमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने वालों की आयु आवश्यकता से कम कार्बोहाइड्रेट खाने वाले की तुलना में 4 साल अधिक पाई गई, जबकि अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने वाले की तुलना में 1 साल अधिक थी। कुछ चीजें हैं जो आपको रात में अवॉइड करना चाहिए, उसमें पहली चीज तो दही है। वैसे तो दही बहुत ही फायदेमंद होता है, परंतु रात को सोने से पहले इसका सेवन मना है, इसकी वजह से आपको कई रोग और समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में भी रात के समय दही को खाना मना होता है। सोने से ठीक पहले दही का सेवन बिल्कुल नहीं करें। रात्रि भोजन में अगर आप इसे खाते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे बाद ही सोए। ऐसा इसलिए मना होता है क्योंकि आप खाने के तुरंत बाद अगर सो जाएंगे तो पचेगा नहीं, और इसके फिर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फिर है मीट, खास करके रात्रि के दौरान। रात्रि के दौरान मांस यानी कि मीट का सेवन भी वर्जित होता है, इससे जीवन अल्प हो जाता है। ड्राई मीट का सेवन भी जो 1 या 2 दिन पुराना हो उसे भी नहीं लें। जब मीट पुराना हो जाता है तो उसमें कई बैक्टीरिया पनप जाते हैं और आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं। फिर सुबह देर से उठना। सुबह देर से सोकर जो उठते हैं उन लोग की भी आयु कम हो जाती है। सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें ताजी हवा मिलती है और उनके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, पर जो लोग देर से उठते हैं वो प्रदूषित हवा में सबसे पहले सांस लेते हैं और इस वजह से बहुत अधिक बीमार पड़ते हैं। फिर सुबह संभोग करना। ऐसे लोगों का भी जो आयु है कम हो जाता है जो सुबह उठते के साथ संभोग करते हैं। ऐसा वेदों में कई जगह लिखा हुआ है कि सुबह उठकर योग या व्यायाम करना चाहिए, संभोग नहीं। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ता है और आपको कई रोग हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया जिससे आपकी आयु कम होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।